हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टूडियो जान पे। इसका नाम अंकित सिंह यार, MSTCET 2023 के स्टूडेंटो। तो यार आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया कि मार्क वर्सेस परसेंटाइल के एनालिसिस किस तरीके रही, पर ये बात बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर अगर मुझे MSTCET में 60% आता है, 50% आता है, तो मुझे कोई कॉलेज मिलता है क्या? तो डेफिनेटली अगर आपके 40% भी है तो भी आप लोग को कॉलेज मिल जाएगा। MSTCET एक ऐसा एंट्रेंस है जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे, और सब कॉलेज की कट ऑफ भी बहुत ज्यादा नहीं जाती। कुछ कॉलेजेस हैं जो टॉप के कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है 95+, पर उसके बाद काफी कॉलेज की कट ऑफ बहुत कम जाती है। तो प्लीज अगर आपके समझो 70-80% आ रहे हैं, 40-70% आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके 160 आ रहे हैं तो 99 बन जाएंगे, 150 से 160 तो 98 से 99, 140 से 150 नंबर आ रहे हैं तो 96 से 98%, 130 से 140 तो 93 से 96, 100 से 130 पे 90-93, 80 से 100 पे 80-90 आएगा, 60-80 पे 70-80, 50 below पे 40-70 के बीच में रहोगे। तो डेफिनेटली अगर आपके कम भी आ रहे हैं तो प्लीज आप लोग देखो, ज्यादा वालों को तो कॉलेज हर कोई दिला देगा, पर डेफिनेटली मेन टास्क होता है कि अगर कोई बच्चे को कम परसेंटाइल आ रहा है तो उनको कॉलेज कौन दिलाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, नीचे यार एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, MSTCET 2023 डिस्कशन ग्रुप, अभी उसको ज्वाइन करके रखो। एक बार आप लोगों की रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगी एग्जाम के बाद, उसके बाद हम दो ग्रुप डिवाइड करेंगे, एक ज्यादा परसेंटाइल वाले बच्चों की, एक लो परसेंटाइल वाले बच्चों की, ठीक है? तो उसमें हम लोग आप लोग कॉलेज दिलाने का आपको हेल्प करेंगे, पूरा ट्राई करेंगे, हमें आपकी काउंसलिंग कर देंगे, ठीक है? तो टेंशन मत लो, क्या करो अभी आप पढ़ाई करो, आप लोग जितना स्कोर करोगे उस पर आपको कॉलेज दिलाएंगे। वीडियो एंड करता हूं, थैंक यू।